नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आपने बहुत सी ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे या बहुत से लोगों की ऐसी बातें सुनी होगी कि उनके पास ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न दिया उनको 5 या 10 साल के टाइम फ्रेम में। मेरे बहुत से व्यूअर्स ने सवाल पूछा है कि आखिरकार हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी हमको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है आने वाले सालों में और वो हमारे लिए मल्टी बैगर बन सकती है। तो उसी को लेकर के मैं आपके सामने एक वीडियो आया हूँ जिसमें मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनकी वजह से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक जो है वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है आने वाले दिनों में। ऐसे कौन से कारण हैं जो या ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको किसी स्टॉक में देखनी चाहिए जिसमें आपको पोटेंशियल दिख सकता है, जिसकी वजह से आपको पता चल सकता है कि ये जो स्टॉक्स हैं आपको आने वाले सालों में बहुत ही अच्छा और कई गुना रिटर्न्स बना करके दे सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा भी है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा का पूरा वीडियो आखिर तक देखें ताकि तभी आपको ये पता चल पाएगा कि कौन कौन से वो पॉइंट हैं जिनकी वजह से आपको एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करने में मदद मिल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। मल्टीबैगर स्टॉक पता करने का जो पहला पॉइंट है उसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताने के साथ कोशिश करूंगा। समझ लीजिए, कोई एक कंपनी है जो अभी करंटली छोटी कंडीशन में है लेकिन आने वाले सालों में हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं वो बड़ी हो सकती है और अगर वो कंपनी अच्छे से कारोबार कर सकती है तो और भी ज़्यादा बड़े होने की संभावना है। एक तरीके से हम इसको किसी भी एग्जाम्पल के साथ जोड़ सकते हैं। समझ लीजिए, कोई छोटा पेड़ है जो आने वाले सालों में बड़ा बन सकता है लेकिन एक टाइम लिमिट आती है जिसके बाद वो पेड़ जो है बड़ा होना रुक जाता है। तो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए भी अगर हम उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें तो वो कंपनियां जिनका मार्केट कैप कम होता है शुरू में लेकिन उनका पोटेंशियल आगे जाकर के अच्छा होता है, उनके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, तो वो कंपनियां भी आपको आने वाले सालों में ग्रो करके एक अच्छा रिटर्न दिला सकती हैं और वही कंपनियां जो हैं आपको मल्टी बैगर रिटर्न भी दे सकती हैं। अगर हम उनके मार्केट कैप के साइज के हिसाब से बात करें तो आपको ऐसी कंपनियां देखनी पड़ेगी जिनका जो मार्केट कैप है वो तो 1000 करोड़ से कम है। आप ये वैल्यू अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, 500 करोड़ भी कर सकते हैं या 2000 करोड़ भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात आपको देखनी है कि छोटी कंपनियां हैं वही जाकर के आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छा और बड़ा रिटर्न बना करके दे सकती हैं। सेकेंड पॉइंट जो इस कैटेगरी के लिए आएगा वो है कि आपको ऐसे स्टॉक देखने हैं जो इलिक्विड होते हैं। तो अगर इसके हम मतलब की बात करें तो स्टॉक्स जिसके अंदर इजिली सेलिंग नहीं हो सकती है, जिसके प्रमोटर्स जो हैं वो इजिली अपने स्टॉक्स को नहीं बेचेंगे, तो मतलब उस स्टॉक्स में बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है, बायर सेलर बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं और जो भी कोई बाय करता है वो अच्छे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से बाय करता है, उनके जो प्रमोटर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो उस तरीके के स्टॉक्स को आपको देखना चाहिए और ज़्यादातर आपको ये देखना चाहिए जो ऐसे स्टॉक्स हों छोटे जिनके ऊपर किसी ब्रोकरेज हाउस की या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशंस की ज़्यादा हिस्सेदारी ना हो या फिर वो ज़्यादा कवरेज ना करते हो, क्योंकि जब कभी कोई ब्रोकरेज हाउस किसी स्टॉक को ट्रैक करने लगता है तो वो उनको किसी समय पर बाय करने के लिए सजेशन देते हैं और जब कभी उनका 15-20% का टारगेट अचीव हो जाता है या 25% का टारगेट अचीव हो जाता है तो वो उसमें से एग्जिट करने की सलाह दे देते हैं, जिस वजह से वो स्टॉक की जो वैल्यू है वो थोड़ा कम होने की संभावना बन सकती है। इसी के साथ आपको एक एडवाइस भी ये रहेगी कि आप किसी भी इलिक्विड स्टॉक्स में अपना बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना रखें ऐसे स्टॉक्स में, क्योंकि आपको बेचने के लिए प्रॉब्लम आ सकती है अगर इन स्टॉक से रिलेटेड या इन कंपनी से रिलेटेड कोई भी बुरी न्यूज़ आती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना रखें, इतना ही एक्सपोजर रखें जो कि आप आसानी से बचा सकें अगर किसी केस में नुकसान हो सकता है, क्योंकि छोटी कंपनियों का हम बोल नहीं सकते कि वो रिस्क भी आपको दे सकती हैं। अगला जो पॉइंट आता है उसको भी मैं आपको एक इमेज के साथ ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओवरलोड के हिसाब से समझ लीजिए, कोई ट्रेन है, कोई बस है या कोई भी जगह है जहाँ से आप यात्रा करना चाहते हैं, अगर वो बहुत ही ज़्यादा भरी हुई है, ओवरलोडेड है, तो क्या आप उसमें सफ़र करना चाहेंगे? इसका जवाब मेरे ख्याल से आपका ना ही रहेगा। आप ऐसे किसी भी माध्यम से आप सफ़र नहीं करेंगे, ट्रैवल नहीं करना चाहेंगे जो बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ हो। स्टॉक्स के नज़रिए से अगर हम बात करें तो आपको ऐसे स्टॉक्स देखने पड़ेंगे जिनके अंदर जो है डेप्थ, यानी कि उनके ऊपर जो लोन है, उनके ऊपर जो उधारी है, वो कम होनी चाहिए और उनका डेप्थ टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.5 से कम होना चाहिए। तो आप भी ऐसे स्टॉक्स को ही सर्च करें जिनके ऊपर उधारी कम हो, जिनके ऊपर लोन कम हो या फिर जिनका लोन से इक्विटी का जो रेशियो निकल के आता है वो 0.5 से कम होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है स्टॉक सिलेक्शन के लिए वो आता है, उसमें भी आपको मैं एग्जांपल के तौर पे ही आपको बताना चाहूँगा। आपको चॉइस करनी है, समझ लीजिए दो पेड़ हैं आपके सामने जिसमें
अगर मैं आम के पेड़ के एग्जांपल से बात करूं तो एक में कम आम के आम आते हैं और एक पेड़ में बहुत ही ज़्यादा फल आता है, तो इसको हम बोलेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि वो शेयर्स जिनका उनकी इक्विटी के हिसाब से जो रिटर्न है वो हाई होना चाहिए और उनके जो रिटर्न है वो कैपिटल एम्प्लॉयड जो उन्होंने किया है यानी कि जो कैपिटल उन्होंने लगाया है उसके कंपैरिजन में अगर उनका रिटर्न जो है वो ज़्यादा आता है। यानी कि आप अगर आम का बगीचा खरीदने जा रहे हैं तो आप उसमें ये देखेंगे कि कौन से बगीचे में आपको ज़्यादा आम मिलते हैं, कौन से बगीचे से आपको ज़्यादा फल मिलता है, आप उसी तरीके के बगीचे को खरीदने की कोशिश करेंगे। तो वही चीज़ आपको स्टॉक सेलेक्शन में भी देखनी है कि जिन स्टॉक्स में आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है या मिलने की संभावना हो सकती है वही स्टॉक्स को आप सेलेक्ट करें। तो अगले पॉइंट के लिए भी हम एक एग्जांपल के साथ ही ये देखेंगे जिसमें कि आप देखेंगे कि दो दुकानें हैं, समझ लीजिए दोनों में अगर आप 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो जो दोनों ही दुकानें हैं, एक दुकान है जो आपको 50,000 रुपये प्रति महीना की अर्निंग करती है और एक दुकान जो है वो 25,000 का ही अर्निंग करती है एक महीने में। लेकिन इसमें जब आप स्टॉक खरीदेंगे तो उसमें एक तरीके से आप पार्टनरशिप ले लेते हैं, तो एक दुकान में आपने समझ लीजिए 5% की पार्टनरशिप ली और दूसरी दुकान में जो है आपने 20% की पार्टनरशिप ली, तो इस परसेंटेज के हिसाब से जो आपकी अर्निंग होगी 5% के हिसाब से वो होगी 2,500 रुपये ए दुकान में, और जो दूसरी दुकान है उसमें आपकी जो अर्निंग हो जाएगी वो हो जाएगी 5,000 रुपये की। तो इस केस में आप बोलेंगे कि जो बी दुकान है वो अच्छी है, लेकिन यहीं पे जो पॉइंट आता है वो है पीई रेशियो का, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अर्निंग यहाँ पे ईपीएस है, यानी कि आपकी एक शेयर के पीछे कितनी अर्निंग हो रही है। तो जो पहली दुकान है क्योंकि आपका उसमें सिर्फ 2,500 रुपये का ही प्रॉफिट हो रहा है और जो दूसरी दुकान है उसमें आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको वो दुकान देखनी है जिसमें आपका करंटली भले ही जो अर्निंग है वो प्रति शेयर कम हो रही हो, लेकिन आप ये देखेंगे कि वो जो दुकान है वो आपको प्रति महीना भले ही अभी 50,000 रुपये कमा के दे सकती है और आगे आने वाले दिनों में उसकी जो पोटेंशियल है वो और ज़्यादा है, उसका जो बिजनेस मॉडल है या जो चीज़ें बाकी की पॉइंट हमने ऊपर डिस्कस किए वो अगर अच्छे हैं तभी आपको लो पीई रेशो वाली कंपनी के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि वही कंपनियां आगे आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिटर्न बना करके दे सकती हैं। पीई से रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, उस वीडियो का लिंक आपकी वीडियो में जो रेड डॉट का सिंबल है टॉप राइट कॉर्नर में, वहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, आप पीई के बारे में पूरी डिटेल वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आखिरकार पीई रेशो क्या होता है। अगला जो पॉइंट है जिसके वजह से आप पता कर सकते हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक कौन सा हो सकता है, तो उसमें आपको देखना है कि कौन सा सेक्टर है या कौन सी कंपनी है, उस कंपनी का उस पर्टिकुलर सेक्टर में आगे फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है। तो जैसे मैंने ऊपर तीन इमेज आपको दिखा के रखी हैं, एक जो है पर्सनल केयर वाले आइटम है, दूसरा जो है इलेक्ट्रिक कार है और जो तीसरा है वो फल फ्रूट्स की दुकान है, यानी कि जो पहला जो प्रोडक्ट है वो पर्सनल केयर का है जिसका फ्यूचर में कभी कोई कमी नहीं आने वाली, जो ब्रांडेड कंपनियां बन चुकी हैं उनके प्रोडक्ट जो हैं हमेशा से सेल होते रहने वाले हैं, जैसे जैसे पब्लिक के पास पैसा आने वाला है वो अपना पर्सनल केयर के आइटम्स और ज़्यादा खरीदने वाले हैं, और ज़्यादा शैम्पू तेल परफ्यूम डिओडोरेंट ऐसी चीज़ें वो आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो उस तरीके की कंपनी का जो फ्यूचर है वो अच्छा है। वहीं अगर हम खाने पीने वाली कंपनियों की बात करें तो खाने वाली कंपनियां भी कभी बंद नहीं होने वाली क्योंकि इंसान कभी खाना छोड़ेगा नहीं, तो उस तरीके की कंपनियां या उस सेक्टर से जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो आगे आने वाले दिनों में अच्छा पोटेंशियल दिखा सकती है, अनटिल अनलेस उसमें कोई बुरी खबर ना आई हो, जैसे कि हमने पास्ट में देखा था कि नेस्ले से रिलेटेड उनके मैगी के प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आई थी तो वो स्टॉक में पिटाई हुई थी, तो उस तरीके की खबर से थोड़ा बहुत यहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है। वहीं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो कम से कम अगले 5 से 10 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इतना ज़्यादा परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा है, और अगर हम और भी लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो करंटली इतना क्रेज इलेक्ट्रिक व्हीकल को नहीं लेकर के नहीं है क्योंकि अभी तक उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप नहीं हुआ है, तो करंट लेवल पर उस तरीके की कंपनीज पे बाय बेट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जब कभी वो सेक्टर ग्रो करेगा वो ग्रोथ अभी नहीं आएगी, वो 5 से 10 साल के बाद आएगी, तो इसी समय से उस सेक्टर की कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में बना के रखना थोड़ा रिस्की हो सकता है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि आपके पैसे में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं आएगा। तो छठे पॉइंट में यही है कि आपको ऐसे कंपनीज के ऊपर फोकस करना है जिनका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छा हो। अगला जो पॉइंट निकल के आता है वो आता है कि स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए, यानी कि ऐसा मॉडल होना चाहिए जो कि आने वाले दिनों में अच्छा ग्रो कर सके। राकेश झुनझुनवाला जी ने इनका बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया था लुपिन के द्वारा,
उन्होंने ऐसा बताया था कि जो लुपिन है वो 1 रुपए से 2000 तक क्यों गया था। इसका मुख्य कारण जो उन्होंने बताया था वो यही बताया था कि कंपनी या जो बिजनेस था वो अच्छा स्केलेबल था, वो फार्मा सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी थी और फार्मा सेक्टर इतना बड़ा है कि उसमें 10 लुपिन जैसी कंपनियाँ समा सकती हैं ईजिली और अच्छे से ग्रोथ हो सकती है। तो आपको भी अपने पोर्टफोलियो में ऐसा ही कोई स्टॉक लेना चाहिए जिसका या जिस सेक्टर में कंटिन्यू आने वाले दिनों में ग्रोथ पॉसिबल है और वो जो कंपनी है आने वाले दिनों में अच्छा ग्रो कर सकती है। अगला जो पॉइंट आता है स्टॉक सिलेक्शन के लिए वो आता है लीडरशिप इन सेक्टर, यानी कि आपको ऐसी कंपनी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए जो आप उस सेक्टर की अच्छी खासी लीडर हो। इस पॉइंट में आप बोलेंगे कि अगर कोई कंपनी अपने सेक्टर की लीडर है तो वो छोटी कंपनी नहीं हो सकती है, जो ये बात सही है कि वो हो सकता है अपने सेक्टर की बहुत छोटी कंपनी ना हो, उसका प्राइस भी थोड़ा महंगा हो, उसके पीई भी थोड़े हायर लेवल पे हो, लेकिन क्योंकि अगर सेक्टर में अब जगह बची है, अच्छा स्केलेबल होने की पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है कि वो जो स्टॉक है या वो कंपनी है आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकती है। ये मैंने फॉर एग्जांपल के लिए ही आपके सामने एक इंश्योरेंस सेक्टर को लेके आया हूँ जिसमें ICICI प्रोडेंशियल, SBI लाइफ, मैक्स लाइफ और HDFC लाइफ, ये कुछ मेजर कंपनीज हैं जो कि अच्छा खासा लगभग 50% से ज़्यादा मार्केट जो है इन्हीं कंपनियों ने कैप्चर करके रखा है, बाकी की जो कंपनियाँ हैं वो बहुत छोटी हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ICICI प्रोडेंशियल है उसका लगभग 23% मार्केट शेयर है। तो ये कंपनी जो है वो हो सकता है अपने इन्वेस्टर्स को आने वाले सालों में अच्छा खासा मुनाफा बना करके भी दे सकती है। अगला जो पॉइंट निकल के आता है इसमें मैं 9th और 10th पॉइंट एक साथ बता दूंगा क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट थोड़े मिलते जुलते हैं। तो पहला जो पॉइंट इसमें आ जाता है वो है फर्स्ट जनरेशन इनका मैनेजमेंट होना चाहिए। इसकी अगर बात की जाए तो फर्स्ट जनरेशन मैनेजमेंट में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे कि सुनील मित्तल हो गए जो कि भारतीय कंपनी को हैंडल करते हैं, धीरू भाई अंबानी जो कि रिलायंस को जिन्होंने नीचे से ऊपर तक लेके आया था, पोदार जो है मयूर यूनिकोटर के, तो इस तरीके के जो मैनेजमेंट वाली कंपनियां हैं जो कि बिजनेस को अच्छे से जान, जिनको कई दशकों का एक्सपीरियंस है, जिनको पता है मार्केट में कैसे काम करना चाहिए, किस तरीके की कंपनी ग्रो कर सकती है, कंपनी को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, तो वो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। और साथ ही साथ मैनेजमेंट से रिलेटेड ही जो दूसरा पॉइंट है वो एथिकल मैनेजमेंट होना चाहिए और उनकी जो एफिशिएंसी है वो अच्छी होनी चाहिए। अब जो 9th और 10th पॉइंट है ये इनटेंजिबल फैक्टर है, इनको आप किसी भी इक्वेशन के द्वारा या किसी भी एक्सेल शीट के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं या पता नहीं कर सकते हैं। तो इनको पता करने का एक ही तरीका है कि आपको इनकी जो एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं वो पढ़ना पड़ेगा, इनके ऊपर जो भी मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी आर्टिकल्स किसी भी मैगजीन में प्रिंट होते हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, इनका जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि पास्ट में इन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया है जिस भी कंपनी को इन्होंने मैनेज किया है, और साथ ही साथ ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट की अपने ही बिजनेस को लेकर के किस तरीके का व्यू है, उनका फोरकास्ट क्या है। तो ये एक तरीके से थोड़ा टीडियस जॉब हो जाता है, लेकिन अगर आपको ये जॉब नहीं करना है यानी कि मेहनत वाला काम नहीं करना है तो आप सिर्फ ये चीज़ देख सकते हैं कि उस बिजनेस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर बिजनेस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से काम कर रहा है और वो एफिशिएंट मैनेजमेंट है। तो दोस्तों ये जो 10 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में, ये 10 पॉइंट अगर आप ध्यान में रख करके किसी भी स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे तो इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप भी एक मल्टी बैगर शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकें जो कि आने वाले सालों में आपको 8 से 10 या 12 गुना तक का रिटर्न आपको दे सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो समझे होंगे। अगर आपको किसी भी पॉइंट से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर जा करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एज अ डिस्क्लोजर मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस भी स्टॉक का या जिस भी सेक्टर के नाम मैंने अपने इस वीडियो में लिया है वो किसी भी तरीके से आपको रिकमेंडेशन के लिए नहीं बताया है, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बताया है उन सेक्टर या स्टॉक का नाम। आप सिर्फ इस वीडियो में वो सेक्टर या स्टॉक का नाम लिया गया है उस बेस पे कोई भी स्टॉक का सिलेक्शन ना करें, अपनी तरफ से थोड़ा रिसर्च करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में अपना निवेश करें।